हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म्स ऑफ 2023 स्टारिंग आर वेरी ओन ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण एंड सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टोरियल फिल्म फाइटर के बारे में। फाइटर को लेकर जो एक्साइटमेंट है, जो बज है, जो क्रेज है, वो बहुत ही ज्यादा है। राइट फ्रॉम द डे जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी फर्स्ट टाइम कि वन ऑफ इट्स काइंड फिल्म होने वाली है इंडिया में, मतलब एक एरियल एक्शन बेस्ड फिल्म होने वाली है, ऋतिक रोशन विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ एन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, तो बहुत ही ज्यादा क्रेज और बज है इसका। और उसके बाद इसके रिलीज डेट को लेके भी कि जल्दी से जल्दी कब ये फिल्म फ्लोर्स पे जाए, कब ये फिल्म बने और कब रिलीज हो, सबके बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। अब सबसे पहले जब फाइटर अनाउंस हुई थी तब इसका रिलीज डेट था इसी साल यानी कि गांधी जयंती पे 2022 में, लेकिन फिर ये पुश हो गई और चली गई जनवरी 26 यानी रिपब्लिक डे पे। लेकिन अभी सबको पता है कि अब वहां पे पठान आ चुकी है और फाइटर का अभी स्टार्ट होना भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। कब स्टार्ट होगी, कब रिलीज होगी, सबके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ऋतिक रोशन इज राइट नाउ बिजी इन शूट ऑफ विक्रम वेदा, जो कि वो इसी साल मई एंड में या फिर जून तक वो पूरी तरह से रैप अप हो जाएगी और विक्रम वेदा के लिए उन्होंने वेट भी पुट ऑन किया है। उसके बाद ही विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फाइटर, जिसके लिए वो फिर से अपने कुछ किलोज को शेड करेंगे। और उसके बाद क्योंकि ऋतिक रोशन इज अ परफेक्शनिस्ट, मतलब वो हर कैरेक्टर में डीपली घुसते हैं और पूरा प्रॉपर रिसर्च के साथ अपना टाइम लेते हैं, जो कि उनके फैंस को कभी कभी काफी ज्यादा लंबा लगता है, पर्सनली हमको भी, क्योंकि जिस लेवल का फिल्म ऋतिक रोशन दे सकते हैं इस इंडस्ट्री को, उनसे हर साल एटलीस्ट एक फिल्म तो जरूर मांगता है और वो इतना देर कर देते हैं। मतलब 2019 में वॉर निकली थी, 2022 पूरा गया, 2021 के एंड एंड में जाके उन्होंने विक्रम वेदा शुरू किया था। सो काफी ज्यादा लंबा इंतजार हो जाता है, सबको चाहता है कि एटलीस्ट साल में एक फिल्म ऋतिक रोशन जरूर करें। अब अभी इस साल तो विक्रम वेदा आ रही है गांधी जयंती पे ही, और उसके बाद आपको एक तरह से जब मई या फिर जून में विक्रम वेदा खत्म हो जाएगी उसके बाद वो प्रिपरेशन करेंगे एंड देन या तो फिर अगस्त एंड में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग से फाइटर विल गो ऑन फ्लोर और उसके बाद उस फिल्म को जल्दी से रैप अप किया जाएगा, क्योंकि एक तरह से फ्रेंचाइज है, एक पार्ट में नहीं आने वाली, मल्टीपल पार्ट्स में आने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि फाइटर को लेकर जो एक्साइटमेंट है, क्योंकि फ्रेंचाइज है। तो तीन ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजेज अभी हैं ऋतिक रोशन के पास, वॉर फ्रेंचाइज है उनके पास क्रिश फ्रेंचाइज है और अब ये फाइटर फ्रेंचाइज, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, कुछ नेक्स्ट लेवल हम लोग को देखने को मिलने वाला है फाइटर में, दैट इज फॉर श्योर। अब आते हैं हम लोग इसके रिलीज डेट पे, तो इसका जो रिलीज डेट है वो आई किया जा रहा है गांधी जयंती 2023। अब ये जो सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन का जो कॉम्बो है, उनको गांधी जयंती का जो फेस्टिवल है वो जो रिलीज डेट है कितना पसंद है हम सबको पता है। दो बार साथ में आए वो लोग, बैंग बैंग के समय वॉर, दोनों गांधी जयंती रिलीज थी। ऋतिक रोशन का पर्सनल फेवरेट है एक तरह से गांधी जयंती, क्योंकि इस साल भी वो गांधी जयंती पे ही आ रहे हैं विक्रम वेदा लेके, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है फाइटर को लेकर, बताने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट फिल्म ऑफ बॉलीवुड होने वाली है, 250 करोड़ के आसपास इसका बजट है, सो एक्साइटमेंट इज नेक्स्ट लेवल। अनिल कपूर साहब भी आपको एक बहुत ही स्पेशल रोल में दिखने वाले हैं फाइटर में, और भी धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे और भी लोग हमको लोग को कास्ट में देखने को मिल सकते हैं, सो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। और ज्यादा बढ़ा लो क्योंकि फाइटर अब फ्लोर्स पे जाने वाली है इस साल के एंड एंड में, अभी थोड़ा सा टाइम है लेकिन फिर भी तब तक हम लोग विक्रम वेदा एंजॉय करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग को फाइटर भी बैक टू बैक दो साल, दो गांधी जयंती पे दो ऋतिक रोशन के धमाके देखने को मिलेंगे। कितने एक्साइटेड हो फाइटर के लिए कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, और कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।